राजीव जी, पहली बात तो ये कि जब मोदी जी न्यूयॉर्क में गए थे पिछले कुछ वर्ष पहले, और वहां उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को संबोधित किया था, वो जो भीड़ थी, वो भीड़ वो थी जो बीजेपी के लोगों द्वारा लाई गई थी। वो इस बार राहुल गांधी के सामने जो लोग थे वो इंडियन डायस्पोरा के यंगर जनरेशन के लोग थे, ये बात बहुत मायने रखती। दूसरी बात है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में अभी सलीम रिजवी साहब ने बताया, मैं पिछले दिनों यूएस गया तो स्टैनफोर्ड से गुजरा, हमारे परिचित से मिलने के लिए गया, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि 8,100 एकड़ का विशाल कैंपस जिसमें पहाड़ियां भी है, बगीचे भी हैं, ट्रेकिंग करने स्टूडेंट जाते हैं, सब कुछ है, एक विश्वविद्यालय ने 32 नोबेल प्राइज विनर दिए हैं, 32 नोबेल प्राइज विनर एक विश्वविद्यालय ने, यूएस का सबसे स्थापित विश्वविद्यालय। तो मुझे लगता है कि स्टैनफोर्ड में जाना, वहां संबोधित करना, और अंदाज था कि जिस तरह बताया गया कि एक भी टिकट खाली नहीं था, सारे टिकट, क्योंकि ये सारे कार्यक्रम अमेरिका में एकदम परंपरा है कि निःशुल्क नहीं होते हैं, तो एक भी टिकट, एक भी सीट खाली नहीं थी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। राहुल गांधी ने जो बातें कही उन्होंने सबसे पहले ये बात स्पष्ट की, जो अनुराग त्रिपाठी बाद में कुछ भी कहते रहते थे कि हमें किसी देश की मदद नहीं चाहिए, हम अपने आप में स्वतंत्र हैं और हमें, हम अपनी समस्याओं का निदान खुद चाहेंगे, ये उन्होंने अपने शब्दों में ये बात कही कि भारत की समस्या है और हमें इसमें किसी की मदद या हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। उनका परिचय दिया गया कि भूतपूर्व सांसद है, तो उन्होंने कहा कि मैं, आपने मेरा परिचय दिया, और तभी उन्होंने कहा कि मुझे कल्पना नहीं थी कि मैं, मेरा सांसद की सीट जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र उन्होंने किया, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये कि संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी और उसके कुछ लोगों का कब्जा है और हमारी संसद फंक्शन नहीं कर रही, ये बात सबसे, और उनका आज का भाषण का विषय था बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका, कोई बीजेपी या कांग्रेस विषय नहीं था। तो अगर बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका की बात हो और विपक्ष का कोई नेता ये कहे कि हमारी संसद फंक्शन नहीं कर पा रही है, इसका मतलब ये कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही, और ये बहुत ही, एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत गंभीर बात है जो राहुल गांधी ने कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी भारत की भूमिका के संदर्भ में बात की, खास करके चीन से रिश्ते और रूस से रिश्ते दोनों के बारे में उन्होंने बहुत खुल के बात कही, और ये कहा कि केंद्र की सरकार अपने अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को लेकर बहुत गंभीर नहीं है। ये बहुत मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई भी भारत का नेता ये बात कहता है तो उसके मायने बहुत ज्यादा है। अगर इंदौर में राहुल गांधी ये बात कहते तो शायद उसका महत्व इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन अगर वो कैम्ब्रिज या स्टैनफोर्ड में ये बात कहते हैं, स्टैनफोर्ड में आज उन्होंने कहा कल हाल ही में, तो स्टैनफोर्ड की जो बात है उसका महत्व है कि वो उन लोगों तक पहुंच रही है जिन लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। राहुल गांधी की ये बात दुनिया के तमाम उन लोगों के पास पहुंचेगी जो दुनिया में लोकतंत्र की झंडा बरदारी कर रहे हैं, वो ये लोग चाहे भारत में हो चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। तो ये बहुत गंभीर बात है, राहुल गांधी ने बहुत गंभीरता से अपनी बातें कही, और इसके पहले जो उन्होंने बातें कही थी माननीय प्रधानमंत्री के बारे में, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने कोई खुश होकर ये बात नहीं की होगी, और हमने भी खुश होकर नहीं सुना माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसी बातें, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसी बातें करते ही क्यों है? कोई जरूरी है कि वे हर विषय पर अपना ज्ञान लोगों के सामने बांटते चले जाएं? कोई जरूरी नहीं है कि वो ब्रह्मा जी को जाके ज्ञान दे के दुनिया कैसी बनाई जानी चाहिए। तो ये सारी बातें राहुल गांधी ने, आप राहुल गांधी के पिछले भाषणों की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि राहुल गांधी के भाषणों में एक तो दोहराव नहीं है, दूसरी बात यह कि उन्होंने अपना बातें कहने का लहजा, अपने पहले ही भाषण में उन्होंने वो बातें कही जिन्होंने बीजेपी के लिए विश्व स्तर पर हलचल मचा दी, बीजेपी को बेचैन कर दिया, फिर वे गंभीर बातों की ओर आए हैं, तो इस सब के मायने बहुत ज्यादा हैं। एक और बात, राहुल गांधी जानते हैं कि विश्व में कैसे कैसे शैक्षणिक संस्थान है, कैसे विश्वविद्यालय हैं, और जब से पिछले 9 साल में हमारे देश में विश्वविद्यालयों की हालत क्या है ये बात भी सब जानते हैं। गांधीनगर के ही केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें, 10 साल तक, बल्कि कहना चाहिए 15 साल तक नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते उस विश्वविद्यालय को
उसके कैंपस बनाने के लिए अलॉटेड जगह मुहैया नहीं कराई गई। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, जब वे मुख्यमंत्री थे तब और अभी भी, शिक्षा के प्रति उनका ये नजरिया है। हमारे देश में जो प्राइवेट विश्वविद्यालयों की वकालत जरूर करते हैं लेकिन सरकार के दायित्व को भूल जाते हैं। तो ये बातें भी प्रधानमंत्री को देखनी चाहिए कि वे विदेश जाते हैं, इंडियन डायस्पोरा में बात करते हैं तो किन मुद्दों पर बात करते हैं और क्या उन मुद्दों का कोई अर्थ भारत में है। और उनके विरोधी नेता, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रतिपक्ष के नेता, अगर विदेश जाकर कोई बात कहते हैं, खास करके राहुल गांधी या खड़गे, तो ऐसे लोगों के बारे में हमारी केंद्र सरकार को, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गंभीरता से सोचना चाहिए कि ऐसी बातों का मायने क्या है और वे कैसा देश बना रहे हैं। जिस विश्वविद्यालय में गए वो विश्वविद्यालय करीब 125 साल पुराना है, उसी के पास न्यू जर्सी में रटगर्स विश्वविद्यालय जो करीब 250 साल पुराना है, 4,000 एकड़ का वो कैंपस है और सरकारी विश्वविद्यालय है रटगर्स। तो ये बातें प्रधानमंत्री को देखनी चाहिए कि दुनिया भर में शिक्षा के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं, भारत में उनके बारे में काम करें। बाकी नाले की गैस से चाय बनाना कोई बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात कह के अपना मखौल उन्हें नहीं उड़ाना चाहिए था, इसलिए शायद राहुल गांधी की गलती उतनी नहीं है जितनी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। व्यक्ति इन सब चीजों के लायक नहीं होता, वो अपनी 56 इंच की छाती की बात करता है, एक अकेला सब पर भारी वाली बात करता है। तो ये मूल अंतर है दोनों व्यक्तित्व में। मुझे ये लगता है कि अगर बीजेपी के नेताओं को पूरी छूट हो और ये कोई बीजेपी पे नियम हो कि अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेगा तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो अधिकांश मंत्री भी वही बात कहना पसंद करेंगे जो राहुल गांधी कह रहे हैं। यानी राहुल गांधी न केवल देश के लोगों की बात कर रहे हैं, उनके मन की बात कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी के भी कई नेताओं के मन की बात कर रहे हैं, अगर उसे पढ़ा जाए, ध्यान दिया जाए तो। राजू जी, जी बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, आप क्या कहेंगे, क्लोजिंग कमेंट? राहुल गांधी ने जो बात कही है वह नॉट टू बी अंडर द इंप्रेशन दैट यू नो एवरीथिंग, दैट द वर्ल्ड इज टू बिग, टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर एनी वन पर्सन टू थिंक दैट ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग एंड ही नोज एवरीथिंग। एंड सो रियली दैट इज द डिजीज दैट सैम sort of outlined, that is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, you know, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, you know, who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, you know, speak to historians and explain history to them. They can explain, you know, warfare to the army, flying to the air force, whatever they want, they can, you know. And at the heart of it is mediocrity, that they actually don't understand anything. Because in life, you cannot understand anything if you're not ready to listen. There's something, the biggest lesson I learned from Bharat Chodo Yatra, that there is something to learn from everybody. We are much older than those children.